सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो और सलाम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल टेक विद सिंह पे। दोस्तों, एनर्जाइजर कंपनी में चल रही है हायरिंग, जो कि बल्क हायरिंग है ई कॉमर्स प्रोसेस के लिए। साइट इज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करो। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन बनता रहे, मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों पार्ट वन की बात करते हैं, जो कि है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपने कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना है और उनकी जो भी क्वेरीज है उनको अपने फ्रेंडली तरीके से सॉल्व करनी है। सेकंड दोस्तों, आपका सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट्स के ऊपर, ताकि अगर कस्टमर्स आपसे कोई भी चीज के बारे में, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में पूछे तो आपको बिना सर्च करे उस प्रोडक्ट के बारे में उनको अच्छे से समझा देना है। थर्ड दोस्तों, आपने कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है। जो भी कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी उनको एक तरह से इश्यूज आ रहे हैं, उनको आपने अच्छे से अटेंड करना है, उनकी क्वेरीज का आपने समाधान देना है। फोर्थ दोस्तों, आपने जो भी कंपनी की पॉलिसीज है, गाइडलाइंस है, रूल्स है, कंडक्ट है, उन सबको फॉलो करना है, उसके बाहर आपने नहीं जाना है। फिफ्थ दोस्तों, आपने इफेक्टिव वेज निकालने हैं, सजेस्ट करने हैं क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, ताकि दोस्तों जो भी उनको प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, जो भी उनकी सर्विसेज है, आप उनको क्या कर सकते हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हो, प्लस कंपनी की जो सेल्स है उसको बूस्ट कर सकते हो। लास्ट दोस्तों, आपने कस्टमर्स की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करना है। जो भी उनकी पर्सनल डिटेल्स है, उनकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको मेक श्योर आपने प्रोटेक्टेड रखना है और किसी के साथ शेयर नहीं करना है। पार्ट टू की दोस्तों बात करते हैं, जो कि क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो या फिर अगर आप ग्रेजुएट हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स हो तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। थर्ड दोस्तों, आपको 24/7 वर्क एनवायरनमेंट में काम करना आना चाहिए। पार्ट थर्ड की दोस्तों बात करते हैं, जो कि है क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इनका कि आपके एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, रिटन और वर्बल, यानी कि लिखने में भी और ओरली भी आपको अच्छे से इंग्लिश आनी चाहिए, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छे होने चाहिए। सेकंडली दोस्तों, आपको इन्हें स्पेशली कि आपके कस्टमर सर्विस स्किल्स बढ़िया होने चाहिए, प्लस दोस्तों आपको गुड एनालिटिक स्किल्स भी होने चाहिए। अब दोस्तों, अगर आपका ये सारा क्राइटेरिया पूरा होता है तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट पार्ट की, कैसे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कि दोस्तों अप्लाई करना बहुत ही आसान है, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। ये जॉब दोस्तों जो एनएसआर में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको कॉल्स का प्रोसेस रहने वाला है, बट अगर आपको चैट प्रोसेस के लिए भी जानना है दोस्तों, आप मुझे कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, ईमेल्स के थ्रू हो, किसी भी चीज़ के ऊपर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैं आपको जो चैट प्रोसेस चल रहा है इनका वो भी बता दूंगा। बट मेक श्योर आपका मिनिमम 6 months का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट अगर बात करूं इस जॉब के बारे में, तो बल्क हायरिंग चल रही है ई कॉमर्स प्रोसेस के लिए, यहां पे अगर आप फ्रेशर भी हो तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सब आपने दोस्तों अप्लाई करना, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हायरिंग है, कंपनी के ऑफिशियल एड्रेस में आपकी हायरिंग होगी। बट आपने करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपने देखना कि भाई आपका सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होता है। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, मैं आपको ऑफिशियल एड्रेस देने वाला हूं कंपनी के, कंपनी का, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बट वहां जाने से पहले आपने अपने जो भी एचआर का नंबर मैं वहां पे प्रोवाइड करने वाला हूं, आपने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करना। दोस्तों मेक श्योर आपने यहां पे लिख देना है कि ये जो आप अप्लाई करने वाले हो ये ई कॉमर्स प्रोसेस के लिए, ई कॉमर्स प्रोसेस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों आपने अपने रिज्यूम के ऊपर टॉप में लिखना है अमनदीप वर्मा एचआर, क्योंकि दोस्तों यही आपके एचआर रहने वाले और इन्हीं का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इन्हीं को ही आपने अपना जो लेटेस्ट रिज्यूम भेजना है, प्लस लिखना है व्हाट्सएप के ऊपर कि ये जो आप अप्लाई कर रहे हो दोस्तों ये ई कॉमर्स प्रोसेस के लिए कर रहे हो। उनका नंबर, उनकी डिटेल्स, उनका ऑफिशियल एड्रेस जो कि कंपनी का है, वो सारा कुछ मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां जाकर दोस्तों अपना इंटरव्यू दे सकते हो। टाइमिंग दोस्तों जो वो रहने वाले वो सुबह 11 से लेकर दोपहर के 4 बजे तक। बाकी मैं यही चाहूंगा कि दोस्तों आप 10:30 बजे तक वहां पहुंच जाइए, क्योंकि जितनी जल्दी आप वहां पहुंचोगे एज कंपेयर टू अदर्स आपको पहले जॉब दी जाएगी, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर इंटरव्यू क्लियर होता है। दोस्तों अब मैंने आपको साइट डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है, अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा और पसंद आए तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। कोई प्रॉब्लम, क्वेरी, किसी भी चीज को लेकर दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।